हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज़ में मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट पे ही बात करूंगा, जैसे हमने पिछली दो वीडियोस में बात की थी। पिछली तीन वीडियोस में आज हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में आज हम कैलकुलेशन देखेंगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने अलग टॉपिक्स कवर किए थे, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे हम दो वेरिएबल्स के बीच में कैलकुलेशन करके तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं और उसको किस तरह से हम नाम दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रॉक एसक्यूएल और हर बार की तरह आउट ऑप्स हम 25 ले लेते हैं। उसके बाद हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल न्यू डेटा एज। न्यू डेटा हमने टेबल डाटा सेट क्रिएट कर लिया, इसको एक्सेल में टेबल कहते हैं और यहाँ पे डेटा सेट कहते हैं, माफी चाहूंगा। तो हम सैस की भाषा में ही बात करते हैं। मैं नया डेटा सेट क्रिएट कर लेता हूँ और लाइब्रेरी हमारी रहेगी कस्टम, ठीक है जी। उसके बाद हम फ्रॉम क्लॉज लगा लेते हैं, सेलेक्ट को हम थोड़ा बाद में लिखेंगे। फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, तो अपने वही पुराना डेटा सेट सैस हेल्प डॉट कार्स, ठीक है जी, और क्विट। ओके, अब बारी आती है हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट की। सेलेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को देखते हैं, क्या डेटा सेट है और क्या करना है हमको। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमें न्यूमेरिक वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम जो काम करेंगे वो न्यूमेरिक वेरिएबल में ही काम करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एम एस आर पी ये कोई वेरिएबल होगा, ये करेंसी में शो कर रहा है, और इनवॉइस और ये भी हमारे पास करेंसी में शो कर रहा है। उसके बाद इंजन साइज, सिलेंडर, हॉर्स पावर और उसके बाद के जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास सारे न्यूमेरिक ही हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंजन साइज और सिलेंडर को सम कर देंगे, फिर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी उसके बाद हम इसको किसी से डिवाइड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सम और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सम सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तीन चीज़ें करेंगे इंजन साइज और सिलेंडर के बीच में। तो इंजन साइज का हम एक्चुअल नाम ले लेते हैं, तो ये इंजन साइज है, और सिलेंडर का एक्चुअल नाम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सिलेंडर्स ही है। ओके, ठीक है, आपने हम इसको हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं और सेलेक्ट डेटा सेट को शो करने के लिए हम कुछ आगे के वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैंने मेक ले लिया, टाइप ले लिया और ओरिजिन ले लिया, मेक टाइप और ओरिजिन, सेलेक्ट मेक टाइप ओरिजिन। उसके बाद एक और कॉमा लगा के हमको एक वेरिएबल जनरेट करना है, तो हमने ब्रैकेट्स के बीच में इंजन साइज प्लस सिलेंडर कर लेते हैं। तो इंजन साइज प्लस सिलेंडर्स, ये कैलकुलेशन तो हो गई। अब हमें इस वेरिएबल का नाम देना होगा, ये कैलकुलेशन करके हमारे पास एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा, हमें इसका नाम देना होगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं कैलक, ठीक है जी, और अब हम इसको रन कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे हमारे पास एक दो तीन चार वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, मेक टाइप ओरिजिन और कैलकुलेशन, और मैंने इसको रन कर दिया। मैं अपने कस्टम डेटा सेट में जाता हूँ, यहाँ पे एक न्यू डेटा है और जैसे कि आप देख रहे हैं मेक टाइप ओरिजिन के बाद ये कैलकुलेशन आ गया। कैलकुलेशन किस बेसिस पे आया, इंजन साइज प्लस सिलेंडर, तो 6.6 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 9.5 यहाँ पे आ गया। दूसरे में 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई। तो ये तो हमारा सम था, अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, सिलेंडर इंजन का साइज जो है वो
कम वैल्यू में है और सिलेंडर्स हमारे पास ज्यादा वैल्यू में, ज्यादा मतलब सिलेंडर्स की जो वैल्यूज है वो ज्यादा है, तो हम सिलेंडर माइनस इंजन साइज कर लेते हैं और न्यू डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नहीं भी डिलीट करेंगे तो इसके ऊपर एक नया डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा, और ये डेटा सेट क्रिएट हो गया, रन करके देखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सिलेंडर 6 था, इंजन साइज 3.5 था, तो 6 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 2.5 मेरी कैलकुलेशन आ गई, तो ऐसे मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। और इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं, सपोज सिलेंडर्स डिवाइडेड बाई इंजन साइज, और इसको मैं रन कर लेता हूं। इस बार मैंने डेटा सेट डिलीट नहीं किया, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक नया डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा सेम नाम से, बस कैलकुलेशन इस बार वाली होगी। तो यहां पे 6 डिवाइडेड बाई 3.5 इज इक्वल टू 1.71 और ढेर सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं। हम इन डेसिमल पॉइंट्स को क्रिएट अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम सिर्फ दो ही डेसिमल पॉइंट दें, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि ये कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा डिवाइड हो गया, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मैंने इसको क्लोज कर दिया, और मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होके 6 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 21 होता है, तो 21 आ गया। 4 इंटू 2 8 आ गया, और बाकी सारे भी इस तरह से आ गए। तो हमने देखा कि कैसे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में कैलकुलेशन करके एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक ये मेरा पहली कैलकुलेशन हो गई, अब मुझे एक कैलकुलेशन और करनी है, तो मैं उसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ। सपोज मुझे इनवॉइस डिवाइडेड बाय सिलेंडर करना है, या फिर इनवॉइस डिवाइडेड बाय हॉर्स पावर करना है, तो ऐसा भी कर लेते हैं हम लोग कि जो इसकी इनवॉइस है वो पर हॉर्स पावर कितने डॉलर आती है, तो वो करके देख लेते हैं एक बार। तो इनवॉइस का जो हमारा नाम है इनवॉइस ही है, और हॉर्स पावर का नाम भी हॉर्स पावर ही है। तो आप देखेंगे इनवॉइस डिवाइडेड बाय हॉर्स पावर एज पर हॉर्स पावर अमाउंट, ठीक है, और इसको हम रन कर लेते हैं, और ये रन कर लिया हमने। और अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इनवॉइस डिवाइडेड बाय हॉर्स, मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहता हूँ, आवर्स पावर आ गया, मैंने लॉग नहीं देखा, बहुत गंदी प्रैक्टिस है, लॉग देखना चाहिए। द फॉलोइंग कॉलम्स वर नॉट फाउंड इन द कंट्रीब्यूटिंग टेबल्स हॉर्स पावर, तो इसने बता दिया कि ये वेरिएबल नहीं है, तो हॉर्स पावर को हम एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं। बेहतर होगा कि हम इसे कॉपी ही करें, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो बेटर कि हम कॉपी करें। और मैंने इसको अब रन कर दिया, लॉग में जाके देख लेता हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, 25 रोज और 5 कॉलम्स के साथ हमारा रेडी हो गया। और अब आप देखेंगे कि पर हॉर्स पावर हमको जो अमाउंट पड़ रही है वो डिवाइड होके यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप चाहें तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट बहुत मज़ेदार चीज़ है, और हमने अब तक देखा कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के और फंक्शंस के अलावा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन को भी देखा। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। सिर्फ इस वीडियो के रिलेटेड इस वीडियो में ही कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।